जस्ट यूनिक। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वी बैक। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, कुछ यूनिक बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत दिनों से मैं ट्राई भी कर रहा था आपके लिए ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी ज़ेक्रोम, क्योरम एंड रेशिरम को लेकर। मैं अभी आपसे जस्ट आपसे इमेजिन करने के लिए बोलूं कि फ्रेंड्स, अगर इन तीनों के बीच बैटल हो रही हो तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन जीतेगा? आपके अलग अलग आंसर होंगे, कोई ज़ेक्रोम कहेगा, कोई क्योरम या फिर कोई रेशिरम भी। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, लुकवाइज तीनों ही कौन सा बेस्ट पोकेमॉन लगता है पर्सनली मुझे और आपको, तो ज़रूर कमेंट में बताना कि लुकवाइज आपका कौन सा फेवरेट पोकेमॉन है इन तीनों में से ही। मैं कहूं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं रेशिरम एंड ज़ेक्रोम में, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन को लेकर मैं ज़ेक्रोम के साथ ही जाऊंगा। मुझे लुक वाइज ज़ेक्रोम ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन दोनों के बजाय। आपका कौन सा बेस्ट है वो ज़रूर कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स, रेशिरम रेड बैटल्स में अवेलेबल हो चुका है। आई होप आपके पास कम से कम एक रेशिरम ज़रूर होगा, अच्छी आईवी का या फिर अच्छी सीपी का। फ्रेंड्स, नहीं भी है तो फ्रेंड्स बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैंने गिववे रख रखा है चैनल पर। आप नहीं पार्टिसिपेट किया तो आप जा सकते हैं रेशिरम के गिववे पर, और बात कहूँ तो स्पूफिंग गिववे पर भी। फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको जाके सिंपल सा आपको पार्टिसिपेट करना है, जो भी कंडीशंस हैं। और ट्राई करूँगा कि मैं 31 मई को, ट्राई नहीं फ्रेंड्स, गारंटी 31 मई को मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा लाइव आकर, तो उसका वेट ज़रूर करना। प्लस मैं बात करूँ इस वीडियो की, जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था और ये वीडियो क्यों बनाने वाला था ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, तीनों ही पोकेमॉन्स रेड बैटल्स में आने वाले हैं, और सिंपल से हमारे भी दिमाग में आती है एक बातें कि कौन बेस्ट होगा, यानी कि मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मोस्ट पावरफुल कौन है अगर इन तीनों के बीच में ही बैटल होती है, या फिर अगर आपके पास इन तीनों में से कोई सी एक को सेलेक्ट करना हो तो आप पावरफुल के हिसाब से आप किसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ ज़ेक्रोम की। फ्रेंड्स, ज़ेक्रोम का अगर मैं टोटल स्टैटिक्स बताऊँ तो फ्रेंड्स, उसकी सीपी मैक्स आउट अगर आप करते हैं तो 4000 की होती है, और 4000 प्लस की सीपी बहुत बेटर होती है पोकेमॉन गो के अंदर। अगर आपके पास 4000 कलेक्शन पोकेमॉन्स हैं तो आपकी पॉकीडेक्स और पोकेमॉन कलेक्शन बहुत ही यूनिक लगता है, तो सीपी में कोई दिक्कत नहीं है। अटैक की बात करूँ वो भी बहुत बेटर है, एंड डिफेंस की बात करूँ वो भी अच्छा ही है। एवरेज पे लूँगा मैं उसे, कम भी नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ हाई से थोड़ा सा कम मान सकते हैं आप डिफेंस को। स्टेमिना की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर का मीन्स फ्रेंड्स, अगेन मैं कहूँगा कि जो बेस्ट स्टेमिना होता है उससे थोड़ा कम, लेकिन लो से तो बहुत 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 अच्छा। ओवरऑल रैंक की अगर मैं बात करूँ तो 12 है, तो फ्रेंड्स इट मीन्स बहुत बेटर है। अगर आप बैटल में यूज़ करेंगे, किसी भी बैटल में यूज़ करेंगे, रेड बैटल्स में भी यूज़ करेंगे, तो ज़ेक्रोम बहुत यूज़फुल होगा और पर्सनली लुक वाइज भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ उसकी सीपी, तो उसकी सीपी है फ्रेंड्स 4000 से कम, जो थोड़ा डिसअपॉइंट करती है मुझे पर्सनली, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। प्लस मैं अगर बात करूँ तो सिंपल सा ड्रैगन टाइप है, तो मैं होप करता हूँ कि 4000 प्लस तो होनी ही चाहिए, लेकिन 3575 है, इट मीन्स लो है ज़ेक्रोम की अगर मैं तुलना करूँ तो फ्रेंड्स। एंड अटैक की मैं बात करता हूँ तो फ्रेंड्स, अटैक बेटर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस बात करूँ तो डिफेंस इसका ज़ेक्रोम से बहुत कम है, इट मीन्स मैं बात करूँ तो सिंपल सा मैं लो में ही इसे काउंट करूँगा, अब ज़्यादा मैं काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि लेजेंडरी के हिसाब से ये कम होता है पर्सनली मुझे लगता है। स्टेमिना की बात करूँ तो वो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली। बहुत इसकी जो ओवरऑल रैंक निकल कर आती है फ्रेंड्स वो है 41, इट मीन्स फ्रेंड्स बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़ेक्रोम की मैं बात करूं तो उसमें उसके थ्रू बहुत थोड़ा वीक पड़ जाएगा क्योरम, नो डाउट। लेकिन फ्रेंड्स आगे मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि क्योरम इन मैं बात करूं तो सभी मोस्ट पावरफुल होने वाला है, मोस्ट यूनिक भी होने वाला है। आपको एक अच्छी सी बात बताऊंगा आगे इस वीडियो में, ध्यान से सुनना। लेकिन अभी बात करते हैं रेशिरम की। फ्रेंड्स, रेशिरम का स्टैटिक्स मैं अगर आपको शो करूं फ्रेंड्स, तो उसका स्टैटिक्स है फ्रेंड्स सीपी, अगेन मैं कहूंगा 4000 प्लस है, यानी कि अगेन मैं कहूंगा बेटर, बहुत बहुत अच्छा। लेजेंडरी पोकेमॉन्स की 4000 प्लस से बेटर अगर प्लस होती है तो बहुत सही होता है। अटैक की बात करूं तो
175, इट मीन्स बेटर और अच्छा भी कह ही सकते हैं फ्रेंड्स। डिफेंस बात करूँ थोड़ा लो है, स्टेमिना की बात करूँ एवरेज है नो डाउट, लेकिन फ्रेंड्स ओवरऑल रैंक की बात करूँ तो अगेन फिर से मैं कहूँगा रेशीराम की ओवरऑल रैंक है 12। इट मीन्स जैक्रोम एंड रेशीराम दोनों ही सिमिलर हैं रैंक में, प्लस मैं अगर आपकी बात करूं सीपी की मैक्स आउट तो उनमें भी दोनों सेम हैं, और जो भी अटैक डिफेंस स्टेमिना उनमें भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं दोनों ही पोकेमॉन। सो फ्रेंड्स मैं बात करूं रेशीराम, जैक्रोम एंड क्योरम, तो उन तीनों में से ही मोस्ट पावरफुल हैं रेशीराम, जैक्रोम एंड थर्ड पे तो ऑल यानी ऑब्वियसली होगा क्योरम। क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि फ्रेंड्स क्योरम वाइट एंड क्योरम ब्लैक, क्योरम वाइट है यानी कि क्योरम एंड रेशीराम का कॉम्बिनेशन, एंड क्योरम ब्लैक है जैक्रोम एंड क्योरम का कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स जब भी ये पोकेमॉन गो के अंदर आएंगे तो बहुत बहुत यूनिक लगेगा क्योरम वाइट एंड क्योरम ब्लैक, क्योंकि फ्रेंड्स पोकेमॉन ये अवेलेबल है लेकिन पोकेमॉन गो के अंदर अभी नहीं आया, जब भी आएगा बहुत यूनिक लगेगा। आपको कैसा लग रहा है ये अभी जो मैं सिंपल से आपको शेयर कर रहा हूँ कुछ इमेजेस, वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड फ्रेंड्स बात करूँ जो सिंपल सी वीडियो का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और कहें तो छेड़ा भी था, तो वो सिंपल सा बात अब निकल के आती है पूरा कंक्लूजन कि बेस्ट पोकेमॉन होगा रेशीराम अगर मैं पावरफुल की बात करूं, एंड जैक्रोम दोनों ही सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो फ्रेंड्स यही कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, मुझे आपको बताना था। एंड फ्रेंड्स आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीबैक को तरफ से बाय, या फिर कहूं तो वीबैक फैमिली को वीबैक की तरफ से बाय।